एक्चुअली आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करना है मेरे को, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए चैप्टर बड़ा ही सिंपल है अगर इसको समझ लिया जाए तो। छह बातें बताई गई है इसमें, मीनिंग डेफिनेशन एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो जब भी हम अकाउंटिंग लिखते हैं तो अकाउंटिंग लिखने के लिए हमको सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है। बट वी रिक्वायर्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट वी आर रिकॉर्डिंग आवर बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन टू बुक्स ऑफ अकाउंट। सो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन टू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दैट ऑडिटर इज वेरीफाइड। ठीक है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके, रिसीट है, बैंक में कुछ डिपॉजिट करें तो वहाँ का रिसीट आता है, आपके पास वॉचर्स होते हैं, बिल्स होते हैं जो आप पेमेंट करते हो, या कैश पेमेंट करते तो उससे वॉचर रिसीव करके लेते हैं। तो सारे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। पहली बात ये बताई गई। फिर इसके बाद मीनिंग डेफिनेशन समझाया गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अगर बैंक कैंसिलेशन को समझना है तो सिंपल, आपको कैश बुक और बैंक पासबुक को कंपेयर करते हैं यहाँ पर। बैंक रिकंसिलेशन इज अ स्टेटमेंट दैट रिवील द कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड बैंक पासबुक। तो फिर यहाँ पर बताया गया है कि कैश बुक क्या है। व्हाट डस कैश बुक मीन? कैश बुक अ फाइनेंशियल जर्नल दैट कंटेन्स ऑल कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट एंड बैंक विदड्रॉवल। सिंपली ए कैश बुक वे रिकॉर्ड ऑल योर कैश ट्रांजेक्शन। वेन एवर यू मेक पेमेंट यू रिकॉर्ड दैट ऑन द क्रेडिट साइड, वेन एवर यू रिसीव समथिंग यू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, इंक्लूडिंग कैश डिपॉजिट इन टू बैंक एंड विदड्रॉवल फ्रॉम द बैंक। ये हमारा कैश बुक। इन द प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, वी क्लियरली अंडरस्टूड दिस व्हाट इज कैश बुक। और एक यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है कैश बुक का, अ जर्नल इन विच ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट एंड विड्रॉवल आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीरियल वाइज, सिक्वेंशली, डेट वाइज, पहले ट्रांजेक्शन पहला रिकॉर्ड करें। ठीक है, अब आते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमको क्यों लगता है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हेन अ बिजनेसमैन ओपन एंड ऑपरेट्स अ करंट अकाउंट इन बैंक, वी नो दैट द करंट अकाउंट इज ओपन बाय द बिजनेसमैन। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसका सेविंग अकाउंट रहेगा, कोई आम आदमी रहेगा तो वो सेविंग अकाउंट या स्कॉलरशिप स्टूडेंट जनरली खोलते हैं, स्कॉलरशिप अकाउंट खोलते हैं, तो स्कॉलरशिप का अमाउंट वहां जमा होता है। लेकिन जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट जनरली इज ओपन बाय द बिजनेसमैन। अब फर्क क्या है, हमने देखा है कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, अलग अलग टाइप के अकाउंट है। करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन ऑपरेट करता है कि बिजनेस के आपका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको करंट अकाउंट नाम दिया गया है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा रहेगा, बार बार आपके डिपॉजिट रहेंगे बैंक में, और बार बार विड्रॉल हो सकता है। हो सकता है कस्टमर्स आपको चेक दे तो आपको चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे, आपने जिन पार्टी से क्रेडिट में बाय किया उनको चेक इशू करेंगे, तो चेक सारे बैंक के थ्रू क्लियर होते हैं, उसका क्लियरेंस सेंटर होता है। तो इसीलिए इसको करंट अकाउंट कहा जाता है। इस अकाउंट पर बैंक आपको प्रोसेसिंग चार्जेस लगाता है और सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ आपको बजाय इंटरेस्ट मिलने के, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपको प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं, एंड जनरली इट इज ओपन ऑपरेटेड बाय द बिजनेसमैन। ही गेट्स अ बैंक पासबुक। आप जब करंट अकाउंट खोलते हो तो आपको मिलता है बैंक का पासबुक, चेकबुक एंड पे एंड स्लिप बुक। ये बुक कह रहा हूँ यहाँ पर, पे एंड स्लिप अक्सर देखेंगे आप बैंक में रखी होती है, तो आपको बुक भी दिया जाता है, पे एंड स्लिप बुक, वही पे एंड स्लिप होती है।
जिसको क्लासरूम में हमने डिस्कस किया था, सैंपल भी मैं लेकर आया था, फ्री ऑफ चार्जेस। ये सारे तीनों चीज़ें हैं, पासबुक, चेकबुक और पेन स्लिप, आपको फ्री ऑफ चार्जेस दिया जाता है तब आप बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप कुछ ट्रांजैक्शन बैंक से करते हो तो वही ट्रांजैक्शन आपका अकाउंटेंट आपके कैशबुक में रिकॉर्ड करता है। सो इट इज़ अ जनरली कंपैरिजन, ओपन वन मोर विंडो हियर। जनरली इट इज अ कंपैरिजन ऑफ बैंक स्टेटमेंट ऑब्लिक पासबुक विथ कैशबुक। ये जो स्टेटमेंट है, बैंक कैंसिलेशन स्टेटमेंट, क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट विच रिवील द कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अ स्टेटमेंट विच रिवील्स रिवील्स द कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक पासबुक एंड कैश बुक। तो सिर्फ डिसएग्रीमेंट के कॉजेस को डिस्प्ले करता है, डिस्क्लोज करता है, जो भी डिसएग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में। एक होता है आपका बैंक का पासबुक जो बैंक मेंटेन करता है, और एक होता है आपका कैश बुक जो आपका अकाउंटेंट मेंटेन करता है। अकाउंटेंट आपका कैश बुक मेंटेन करता है और बैंक का अकाउंटेंट बैंक की पासबुक मेंटेन करता है। जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो बैंक के साथ, तो बैंक का अकाउंटेंट बैंक के पासबुक में एंट्री करेगा। अपोजिट साइड में अगर आपने कोई चीज पेमेंट किया तो कैश बुक में हम पेमेंट करते हैं क्रेडिट साइड पर, लेकिन वो आपका बैंक के पासबुक में डेबिट में जाता है। बैंक का पासबुक डेबिट होता है। तो इसके एग्जाम्पल मैंने क्लासरूम में भी दिया था कि जैसे हम एटीएम से विड्रॉल करते हैं, एटीएम सेंटर पे गए आपने, एटीएम मशीन से, ऑटोमेटिक टेलर मशीन से आपके अकाउंट में 10,000 रुपये थे, 2,000 रुपये विड्रॉ किया, तो आपका अकाउंट विड्रॉ होने के बाद बैंक में वो डेबिट हो जाएगा। वैसे ही आपने कुछ चेक इशू किया 3,000 रुपये का, 10,000 रुपये तो 2,000 कैश विड्रॉ कर लिया अपने एटीएम से, 3,000 रुपये का आपकी पार्टी को आपने पेमेंट किया। तो आपने जो पेमेंट किया तो वो आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, कैश बुक क्रेडिट साइड यहाँ रिकॉर्ड किया। तो जैसे यहाँ रिकॉर्ड किया तो बैंक के वो डेबिट साइड आ जाएगा। उसका रिकॉर्ड जो करेगा बैंक वाला कहाँ करेगा, उसके पासबुक, यहाँ लिखता हूँ पासबुक डेबिट साइड। तो यही आपको कंपेयर करना है इस स्टेटमेंट में। एक टेम्पररी स्टेटमेंट है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो रिवील करता है कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट। रिवील करना, जाहिर करना, बताना, डिस्क्लोज करना किस चीज को, कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक पासबुक एंड कैश बुक। तो हमारा जो क्रेडिट साइड जो भी पेमेंट जाता है तो बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट करता चलता है। तो ये अपोजिट साइड कंपैरिजन होता है, और इसमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई किसी रीजन से, तो उस कॉज को हम इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, बैंक रिकंसिलिएशन का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च, जो भी डेट है, इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है, आप कभी भी बना सकते हो। अभी जनवरी चल रहा था, जनवरी एंड हुआ, जनवरी को बना लेते हैं, जनवरी 2022। तीन कॉलम्स रहेंगे आपके इसमें, पहला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा आपका पर्टिकुलर्स का, दूसरा रहेगा अमाउंट, तीसरा भी रहेगा अमाउंट इन रुपीस। तो बाद पर्टिकुलर्स में आपको दिया जा सकता है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। जब आपको बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया तो अब आपको फाइंड आउट करना है
बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, ये आपको दे दिया गया। कैशबुक के अकॉर्डिंग आपका बैंक बैलेंस, तो कैशबुक के अकॉर्डिंगली आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बैंक कैंसिलेशन स्टेटमेंट। ये डेट फिक्स नहीं है, बैंक कैंसिलेशन टेम्पररी बनाया जाता है ताकि हमने जो अपना अकाउंट, करंट अकाउंट बिजनेस का ऑपरेट किया है बैंक के साथ, बैंक वो एंट्री प्रॉपर ले रहा है कि नहीं। कभी कभार ये होता है कि आपने चेक डिपॉजिट किया, कैशबुक पे एंट्री नहीं ली, लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं लिया, उसको 2-3 दिन लगते हैं। तो इसीलिए आपके कैशबुक में और बैंक के पासबुक में डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस को यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है इस स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, तो ये जो अकाउंटेंट ने कैशबुक मेंटेन किया है, तो ये बैलेंस है आपके पास, जो भी अमाउंट है, मान लीजिए कि 10,000 रुपये की एग्जाम्पल दिया हमने, 10,000 रुपये। अब आपको कंपेयर करना पड़ता है कि क्या रीजन है कि बैंक का बैलेंस बता रहा है कम या ज्यादा। तो वो कॉजेस को हम वन बाय वन कुछ चीजें ऐड करेंगे, 1, 2, 3। ऐड कर लिया हमने, तो वैसे ही कुछ चीजें हो सकती है जो लेस हो सकती है, लेस समथिंग। क्या लेस करेंगे अभी हम देखते हैं, 1, 2, 3। तो आपने फॉर्मेट समझ लिया, यहाँ पर क्या हो गया, कुछ चीजें ऐड हो गई, कुछ चीजें लेस हो गई। अब आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर ही रहेगा बैंक बैलेंस एज पर पास बुक, ये आपका आंसर रहेगा। फॉर्मेट क्लियर हो गया, थोड़ा इसको रिड्यूस कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पर आपको दिख सके। देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम भी अटेंड कर रहे हैं आज, उनके लिए भी बहुत इजी है। बैंक बैंक कैंसिलेशन स्टेटमेंट डेट फिक्स नहीं है, मंथ में भी बना सकते हैं आप, 2 महीने 3 महीने, जब भी आपको लग रहा है कि आपका डिफरेंस आ रहा है तो आप उस टाइम में इसको बना सकते हैं। जनरली मंथ के एंड में बनता है, तो मैंने जनवरी इसलिए लिया कि लास्ट मंथ हमारा जनवरी एंड हुआ, फरवरी टुडे इज द 8 फरवरी। तो कुछ चीज़ें ऐड करना है, तो क्या ऐड करना है, अगर ये आपको समझ में आ गया, एक बार लॉजिक समझ में आ गया, ये लॉजिकल रीजनिंग से आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल से ये अगर आपको क्लियर होगा कि क्या ऐड करना और क्या लेस करना है, तो आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, हम उसकी तरफ जाते हैं, बुक में आते हैं। मीनिंग डेफिनेशन, ये आपके अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बताया है, ये थोड़ा लेंथी जा रहा है, नोट्स की तरफ आते हैं हमारे। देखिए, इसकी क्या ज़रूरत है, यहाँ पर 4 रीजन्स है मेरे पास जो रिकॉर्डेड है। सबसे पहला रीजन है कि इम्पोर्टेंस क्या है, प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाता है आपके पास, सर्व एज ए क्रॉस चेक ऑन बैंक कि हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं बैंक से, दैट इज करेक्टली रिकॉर्डिंग बाय द बैंक एज वेल। ठीक है, सर्व एज ए क्रॉस चेक ऑन बैंक। फिर दूसरी बात, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट, जो जो डिसएग्रीमेंट हो रहा है जिसके लिए हमें रीजन के हिसाब से बना रहे हैं बैंक कैंसिलेशन स्टेटमेंट, तो वो भी क्लियर हो जाता है कि क्या वजह है कि बैंक बता रहा है ज्यादा बैलेंस है, बैंक बता रहा है कम बैलेंस। तो वो सारे कॉजेस में हम रिकॉर्ड करते हैं, मेन पर्पज यही है बैंक कैंसिलेशन का। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट, रिवील द कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट। फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ ओमिशन, समटाइम इट मे हैपन दैट यू मे नॉट रिकॉर्ड प्रॉपरली इन योर कैश बुक। तो बैंक से जैसे आपने स्टेटमेंट मंगाया, वहाँ कोई चेक इशू था, आपके कैश बुक में नहीं लिखा है, तो आप इसको ओमिशन है, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर चौथी बात, आपका जो फेथ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो बैंक के ऊपर ज्यादा हो जाता है कि वट एवर वी आर सेंडिंग टू द बैंक, दैट बैंक इज रिकॉर्डिंग करेक्टली प्रॉपरली। हमने चेक इशू किया, उन्होंने पेमेंट कर दिया, किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, वी डोंट नो अबाउट दैट, तो वो भी हमारे नॉलेज में आ जाती है बात। तो ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है बैंक के ऊपर, हमारा फेथ होता है। ओमिशन अगर कोई है, या फिर डुप्लीकेशन भी है, ओमिशन ऑब्लिक डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन हमारे कैश बुक में हो सकता है, वॉचर आई थी, हमने रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, और थोड़े टाइम के बाद फिर से उसको रिकॉर्ड कर लिया, 2-3 दिन बाद वापस वो पेपर्स में चला गया, फिर से एक बार रिकॉर्ड हो गया, तो देर में भी ए पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेशन।
तो वो भी आप अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री है, डब दो बार रिकॉर्ड कर दिए, तो एरर का एंट्री भी आप करेक्ट कर सकते हो। या ओमिडी कर दिया किसी चीज़ को, ओमिशन है, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो भी हमारे हमको आइडेंटिफाई हो जाता है। सो दीज आर द मेन इम्पोर्टेंट पर्पस एंड नीड्स ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ बैंक कैंसिलेशन स्टेटमेंट। आई एम कमिंग इन द क्लासरूम। चलिए, अब स्टूडेंट्स के पास कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हम लॉजिकल चीजें समझने वाले हैं इसके आगे, आपके क्वेश्चंस होना चाहिए यहाँ पे। किसी को स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो ही मैं आस्क मी। आमिर कहाँ है? आमिर ने स्टार्ट करने लगाए थे कुछ चैप्टर ही। वेयर इज आमिर? आई डिडंट फाइंड हिम इन द क्लासरूम। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है, तौफिक वगैरह कोई भी स्टूडेंट, अगर आपको कहीं से क्वेश्चन है कि हमारा चैप्टर हो गया, हम रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, तो आपके डाउट्स के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ से चलूंगा। कोई क्वेश्चन है आपके पास, या फिर मैं वैसे ही कंटिन्यू कर लूँ उसको? चलिए, क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये डिफरेंस बताता है? सबसे पहला रीजन, रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन बैलेंसेस। बैंक का पासबुक कुछ और कह रहा है, आपका कैशबुक कुछ और कह रहा है, तो ये समझ लेते हैं आज, ठीक है? कॉजेस एंड रीजंस। व्हेन चेक्स आर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि हमने चेक तो इशू किया, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। एज एन एग्जाम्पल, किसी को 5,000 रुपए का चेक हमने इशू किया, तो ये हमारे तरफ से पेमेंट हो गया, तो हमने कैशबुक में तो लिख लिया, क्योंकि कैशबुक में क्या होता है, कैशियर जब भी जैसे इशू करता है, उन्हें कैशबुक में एंट्री कर लिया। तो जिस सप्लायर को हमने दिया, जिस क्रेडिटर्स को हमने वो चेक दिया, उसने बोला 5,000 का चेक है, मैं और एक 8-10 चेक मेरे पास जब जमा होंगे बैंक को जाकर डिपॉजिट करूंगा। उसके पास का जो क्लर्क था, अकाउंटेंट था, वो थोड़ा डिले कर रहा था डिपॉजिट के लिए, और 4-5 चेक आने के बाद विजिट करते हैं बैंक को। तो आपके पास से आपने कैशबुक में लिख लिया एंट्री, तो आपका कैशबुक क्या होगा, फिर वक्त में माइनस में आ गया। कैशबुक क्या हो गया? माइनस में आ गया। 50,000 रुपये थे, 10,000 रुपये का चेक इशू किया, आपका कैशबुक बता रहा है 40। अगर वही टाइम पर आप बैंक से स्टेटमेंट कॉल कर लेंगे, तो बैंक कहेंगे आपके पास 50,000 है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, बैंक कह रहा है 50 है, और आप ही कह रहे हो कि कैशबुक के अकाउंटेंट के हिसाब से 40 है। तो क्या रीजन है? ये रीजन है कि जो हमने चेक इशू किया है, वो अभी इन कैश नहीं किया हमारे सप्लायर ने। द चेक विच वी हैव इशूड टू द सप्लायर, ही डिड नॉट डिपॉजिटेड इन टू द बैंक, हिज बैंक, और वो हमारे बैंक को हिट नहीं हुआ। हिट नहीं हुआ मतलब वहां से क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ तो हमारा बैंक का बैलेंस प्लस या ज्यादा बताएगा। तो इसको हम टेम्पररी हमारे स्टेटमेंट में, कौन से, इस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ऐड कर लेते हैं। यहां पर ऐड कर दिया जाता है, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट नॉट क्लियर फ्रॉम द बैंक, तो यहां पर ये ऐड हो जाता है, ठीक है? टेम्पररी ऐड होता है, जब वो विड्रॉ करेगा तो आपके पास भी 40, बैंक में भी 40, लेकिन टेम्पररी क्या किया उसने, डिपॉजिट नहीं किया, तो बैंक ज्यादा बता रहा है, ज्यादा बता रहा है, तो बैंक ज्यादा बता रहा है, तो हम भी उसको प्लस कर देते हैं। मैंने एक लॉजिक बताया था आपको, हम कंपेयर करते हैं सिंपली, यहां समझा देता हूं उसको। वी आर जस्ट कंपेयरिंग, वी आर कंपेयरिंग व्हाइल वी आर कंपेयरिंग व्हाइल वी कंपेयरिंग वी आर कंपेयरिंग कैश बुक विथ पासबुक। पासबुक इफ बैंक इज इन प्लस, प्लस मतलब वहां पर ज्यादा है, ज्यादा बैंक ऐसे ही नहीं करेगा, आपका पैसा है बोल के ज्यादा बता रहा है। वहां से चेक इशू नहीं हुआ, सामने वाले ने वहां लाके इसको विड्रॉ नहीं किया, तो इसीलिए प्लस बता रहा। सिंपली एड टेम्पोररी इनटू स्टेटमेंट।
कौन सा स्टेटमेंट? वीआरएस। ये एक लाइन समझ लीजिए, व्हाइल वी आर कंपेयरिंग सीबी कैश बुक विथ पासबुक, यहाँ देखिए कैश बुक का आपका बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस कौन सा आपका? कैश बुक का। इफ द बैंक इज इन प्लस, प्लस मतलब वहां पर ज्यादा बता रहा है, मैं 50 बता रहा है, आपके कैश बुक में 40 है, सो व्हाट यू विल डू? यू विल सिंपली एड टेम्पररी इन टू बैंक। जैसे चेक इशूड यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था वहां पर? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन टू द बैंक फॉर पेमेंट, तो आप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, एडिशन में आ जाएगा, कितने का था चेक? 5,000, 10,000, वो आ जाएगा, ठीक है, ऐड कर दिया, टेम्पररी ऐड है, क्योंकि जब वहां से विड्रॉ हो जाएगा तो आप इसको हटा देंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ही है टेम्पररी, आपका बैंक कैंसिलेशन स्टेटमेंट टेम्पररी प्रिपेयर टू जस्ट क्रॉस चेक ऑन द बैंक, ठीक। और फाइल कंपेयरिंग कैश बुक विथ पासबुक इफ बैंक इज इन माइनस, माइनस देन सिंपली डिडक्ट दैट मच इन द स्टेटमेंट। चलिए मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर समझा दिया ओन वर्ड्स में कि क्या करना है आपको, ये दो अलग अलग बातें समझा दी आपको, क्या समझा दी दो बातें? अगर आपका बैंक माइनस करता है तो बैंक ऐसे ही माइनस नहीं करेगा, एग्जाम्पल के तौर पर बैंक ने कुछ चार्जेस लगा दिए, एसएमएस अलर्ट के चार्जेस है, या क्वार्टरली कुछ चार्जेस है, या आपका कोई डायरेक्ट पेमेंट चला गया, डायरेक्ट पेमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल था, आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी थी बैंक को कि हमारा जो पेमेंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जैसे बिल जनरेट होता है 2 दिन में पेमेंट कर देना, तो आपका बिल जनरेट हुआ 5 तारीख को, आ जाए 8 तारीख, 8 फरवरी को उसने पेमेंट कर दी, तो आपके नॉलेज में नहीं है, बैंक से तो चला गया, तो बैंक ने आपका पेमेंट किया तो आप भी इसको लेस कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय दी बैंक, कितने का था? 1,000 रुपये का, जो भी अमाउंट, 1,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय दी बैंक, तो बैंक ने पेमेंट कर दी, आपका ही पेमेंट है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, तो पेमेंट चला गया, जैसे विल माइनस इट, इस तरह से कुछ प्लस प्लस यहाँ पर टोटल आ जाएगा, 5,000, 1,000, जो जो अलग अलग अमाउंट है, एज एन एग्जाम्पल 1,000 और 2,000, ये हो गया 5, 6, 6 और 2, 8,000, ये 8,000 रुपये ऐड हो जाएगा, यहाँ का टोटल आ गया आपका 18,000 रुपये, 10 है प्लस 8, 18,000, यहाँ पर इस तरह से जो भी लेस वाले एक्सपेंसेस है 1,500, 200, तो ये आपका माइनस वाला जो टोटल है 1,700 हो गया, 1,700 रुपये, ये आप माइनस कर लेंगे, 1,000 अगर 700 जाएगा तो 16,300 आपका बैलेंस आ जाएगा पासबुक के अकॉर्डिंग, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। इतना सिंपल चैप्टर है, आपको एक चीज समझ के लेना है यहाँ पर, वो ये है कि हम जब कंपेयर करते हैं कैश बुक का बैलेंस बैंक के पासबुक से, अगर बैंक में कोई चीज प्लस हुई है, किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, जैसे कि 2,000 का हम लेते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, कस्टमर ये 2,000 रुपये डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, तो डायरेक्ट डिपॉजिट है, देन ऐड इट बिकॉज इट्स योर मनी, योर अमाउंट विच इज योर कस्टमर, आपके डेटास ने इसको डिपॉजिट किया है, तो ठीक है ऐड कर लेंगे, दैट इज अ करेक्शन इन द स्टेटमेंट, तो इस तरह से ऐड और सब्सट्रैक्ट होता है। फिर से एक बार क्लासरूम की तरफ, एनी वन हैव एनी क्वेश्चन, ही और शी में आस्क, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू एज इट इज। यस, नो क्वेश्चन, चलिए 8 से 10 कॉजेस से हम इसको समझ लेते हैं एक बार। चेक
वेन द चेक्स आर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये एक रीजन हो सकता है डिसएग्रीमेंट का। वेन डायरेक्ट डिपॉजिट इज मेड इन टू द बैंक बाय द क्लाइंट और कस्टमर, किसी पार्टी से आपको जानना है कि परभनी की नांदेड़ की पेमेंट आना था, तो उसने क्या करा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में ऑनलाइन डिपॉजिट कर दिया, तो आपका अकाउंट क्या हो गया, ज्यादा बैलेंस हो गया, जबकि कैशबुक में एंट्री नहीं है। जब आप वहां से स्टेटमेंट कॉल करेंगे तब आएगा, इसीलिए ये हो सकता है कि कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कर दे तो आपका डिफरेंस आ जाए बैंक के पासबुक में और कैशबुक में। उसके बाद हो सकता है डिविडेंड, इंटरेस्ट, कमीशन पेड बाय द बैंक आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, क्योंकि डिविडेंड जब पेमेंट जाती है किसी चीज की या रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव भी हो सकता है, इंटरेस्ट पे भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, कमीशन रिसीव भी हो सकता है और पे भी हो सकता है। अगर वो डायरेक्ट पेमेंट कर दे रहे हैं, पेड है या ऑब्लिक रिसीव है, तो भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पेड है मीन्स वहां से पेमेंट चलेगी, बैंक से पेमेंट चलेगी इंटरेस्ट की, तो आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, बैंक में डिविडेंड ऐड हो गया तो आप भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि बैंक से हम कंपेयर कर रहे हैं, सिंपली आई जस्ट टोल्ड यू। फोर्थ पॉइंट, चेक्स, चेक चार्जेस, कमीशन, डायरेक्ट पेमेंट टू द क्लाइंट मेड बाय द बैंक बट नॉट शोन इन द कैश बुक, हो सकता है कोई चीज डायरेक्ट पेमेंट कर दी हो बैंक ने ऑन योर बिहाफ, ऑन बिजनेस बिहाफ, तो वो आपका ही पेमेंट था, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे हमने एग्जाम्पल ली, तो वो पेमेंट चला गया, तो वो पेमेंट चला गया तो आपको कैश बुक में उसकी एंट्री लेना पड़ेगी जो आप पासबुक से कंपेयर करने के टाइम पर रिवील हुई है, तब वो मालूम हो आपको। पॉइंट नंबर फिफ्थ, डिसऑनर ऑफ चेक, इंटीमेशन नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, आपका कोई चेक था, आपने पेमेंट की थी 10,000 की, अकाउंट में 9,000 रुपये थे, 11 थे बीच में और 2,000 रुपये और विड्रॉवल हो गए, तो 11 के 9 हो गए, आपने 10,000 का चेक दिया था, अब वो चेक क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा तो उसकी एंट्री जो है आपके पास रिकॉर्डेड नहीं है कैश बुक में, क्योंकि बैंक के पास इंटीमेशन आ जाता है चेक जैसे वहां हिट होगा, द बैलेंस इज लेस देन द अमाउंट यू हैव रिटन ऑन द चेक, तो वो डिसऑनर हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा तो फिर उसकी एंट्री आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगी, द डिसऑनर ऑफ चेक। सिमिलरली जब हमारे पास कोई चेक्स आते हैं हमारे कस्टमर्स के डेटास के, वो हम डिपॉजिट करते हैं, उनके अकाउंट में अगर इनसफिशियंट बैलेंस रहा, इनसफिशियंट फंड रहा, तो उस टाइम पर भी डिसऑनर हो सकता है, बोथ द डिपॉजिट एंड रिसीट चेक में भी डिसऑनर्ड, ऑनर होना, इन कैश होना, डिसऑनर होना, उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर सिक्स, सम ऑफ द बैंक बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर इंटर्ड इन कैश बुक एंड पासबुक ऑन डिफरेंट डेट्स, तो ये भी हो सकता है एक रीज़न के अलग अलग डेट्स में इंटर हुए, तो रीज़न क्या है, जैसे हमने चेक को इशू करा उसने 15, आज की डेट में हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने चेक इशू किया आज 8 फरवरी है तो आज इशू कर दिया, वो 15 दिन के बाद बैंक से विड्रॉ कर रहा है, तो वहां पर 15 दिन के बाद की डेट आ जाएंगी, 12 दिन के बाद लेते हैं, 12 दिन बोले तो आज से 12 दिन, 20 तारीख को वहां रहेंगे, 20 फरवरी को विड्रॉल बताएगा, जबकि हम के कैश बुक के अंदर एंटर कर लिया उसको 8 फरवरी को, इजंट इट, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस इन डेट, इफ सम मिस्टेक्स और ओमिशंस, ये हो सकता है कि हमने जब पासबुक में एंट्री ली है तो पासबुक में हम, हो सकता है कि जो अमाउंट है हमारा कितने का अमाउंट है, हमको लिखना है अमाउंट 565 और लिखते टाइम कर दिया उसको 556, ये 5 इंटरचेंज हो गया, तो देर में भी अ डिफरेंस, जब हम टोटल करेंगे तो दोनों के अंदर फर्क है, ये 565 है और ये 556 है, तो ये भी हो सकता है जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाए, या हो सकता है इसको ओमिट ही कर दे, कोई एक ट्रांजैक्शन है 100 200 रुपीज का, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिशन और मिस्टेक। पॉइंट नंबर 8 है, समटाइम्स द ट्रांजैक्शन बाय मिस्टेक आर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि एक आपके पास रिसीट आया 200 रुपीज का, आपने उसकी एंट्री तो कर ली
कैश बुक में पेमेंट साइड रिसीव है तो रिसीव साइड, पेमेंट है तो पेमेंट साइड कर ले, और वो वाचर आपके टेबल पर ही पड़ा रहा, फिर और वाचर्स आए उसमें, फिर दोबारा उसकी एंट्री हो गई और 2 दिन बाद, तो देर में बी अ चांसेस ऑफ टॉइस रिकॉर्डिंग इन दैट। चलिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाइल वी आर लर्निंग दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दिस आर द पॉइंट, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, लेकिन समझा देता हूँ एक बार, कल आप पढ़कर बैठेंगे, कल आपसे क्वेश्चन करूंगा इस पर। पॉइंट्स टू रिमेंबर: कैश बुक क्रेडिट साइड, टैली विथ बैंक पासबुक डेबिट साइड। ये तो क्लियर है, कैश बुक का हमारा क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, बैंक का पासबुक का रहेगा वो डेबिट साइड। ये हम टैली करते हैं कि ये दोनों बराबर है क्या, कंपेयर ऐसा होता है, जब शेक हैंड करते हैं तो क्रॉस हो जाते हैं एक दूसरे से, सामने वाले का राइट हैंड अपोजिट साइड जाता है हमारे लेफ्ट हैंड के, तो उसी तरह से यहाँ पर ट्रांजेक्शन इस तरह होती है, कैश बुक का क्रेडिट साइड, बैंक का डेबिट साइड। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000, एज एन एग्जाम्पल बैंक बैलेंस आपका एज पर कैश बुक जो आपने रिकॉर्ड किया, मेंटेन किया, 10,000 है 31 दिसंबर 2020 को। नाउ अबव इज द कैश बुक डेबिट बैलेंस, नाउ इफ वी इशूज चेक्स एंड दोज आर नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, 10,000 रुपये आपके पास कैश बुक में बैलेंस है, आपने 2,000 का चेक इशू कर दिया, तो आप क्या करेंगे उसको 2,000 से माइनस कर देंगे, आप बताएंगे कैश बुक में 8,000 है, लेकिन यह कह रहे हैं कि दोज आर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, तो फिर क्या करना है उसको ऐड ऐड देम अगेन इन कैश बुक टेम्पोररी फॉर द टैलिंग पर्पज ओनली। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ऐड दैट एज द अबव चेक्स ड्यू टू सम रीजंस कुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन द बैंक एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर बैंक बैलेंस इज हाई एज कम्पेयर टू कैश बुक। कैश बुक आपका 8,000 हो गया, लेकिन बैंक तो कह रहा है आपके पास 10,000 है, 10,000 इसलिए है कि जो आपने चेक इशू किया था वो चेक वहां से इन कैश नहीं हुआ, इसीलिए बैंक में 10 बता रहा है, आपने कैश बुक में तो एंट्री ले ली, 2,000 रुपये माइनस कर लिया। सिमिलरली व्हेन द बैंक हैज डेबिटेड इंटरेस्ट चार्जेस एनी पेमेंट, बैंक ने आपके बैंक चार्जेस लगा दिया 100 रुपीज के टू अवर अकाउंट इन पासबुक एंड विच इज नॉट अपियर्ड इन कैश बुक, वी हैव टू लेस, वी हैव टू लेस, माइनस करना पड़ेगा आपको यहाँ पर दैट अमाउंट इन अवर कैश बुक। बैंक ने तो आपका अकाउंट माइनस कर दिया और किसी रीजन से किया, रीजन क्या था, चार्जेस लगा दिए बैंक चार्जेस 100 रुपीज, तो अब आपके पास भी 8,000 में से 1,100 रुपये माइनस होना चाहिए, सो हियर वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दैट। सो आई विल स्टॉप हियर बिकॉज यू हैव ए नेक्स्ट क्लास, कल आप पढ़कर आएंगे, ये 2 पेज मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा अभी ग्रुप में, कल पढ़ के आएंगे हम, 2-3 प्रॉब्लम लेंगे, बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल रीजन है इसके अंदर, क्या रीजन है कि बैंक बैंक का स्टेटमेंट हमारे कैश बुक से टैली नहीं होता, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, वही हम लर्न करते हैं। सो आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू।